नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर से चली लंबी लड़ाई के बाद ऋषि कपूर जिंदगी की जंग हार गए। फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान कायम की। उनके निभाए किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे। वो हर मुद्दे पर अपनी बात खुलकर कहा करते थे। उनका यही अंदाज साल 2017 में आई उनकी किताब खुल्लम खुल्ला में भी देखने को मिला। ऋषि कपूर ने किताब खुल्लम खुल्ला में बेबाकी के साथ अपने जीवन और परिवार से जुड़ी पर्सनल चीजों के बारे में लिखा था। साथ ही उन्होंने किताब में बेटे रणबीर कपूर संग अपने रिश्तों के बारे में भी बताया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा था कि बेटे रणबीर के साथ वो ज्यादा खुले हुए नहीं थे। उन्होंने बताया कि रणबीर अपनी अधिकतर बातें मां नीतू के साथ शेयर करते हैं। ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैंने शादी के बाद घर छोड़ा तो मेरे पिता ने मुझे स्पेस दी। मैंने भी रणबीर को उसकी स्पेस दी जब उसने गर्लफ्रेंड के साथ रहने का फैसला किया। इस घर में उसका एक कमरा था। आखिर कैसे वो एक कमरे में सही तरीके से रह पाता? वो एक अच्छा बेटा है, वो मेरी बात सुनता है, लेकिन मैं उसके करियर में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। मेरा करियर मेरा है और उसका करियर उसका है। मुझे पता है कि मैंने रणबीर के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे बताती रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब काफी लेट हो गया है, वो हमारे साथ नहीं रहता है। ये हमारे और नीतू के लिए बहुत बुरा है। हम लोग एक नया घर बना रहे हैं जहाँ पर उसके और उसके परिवार के लिए काफी जगह होगी, लेकिन तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बता दें कि बीते कुछ सालों से ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के रिश्ते काफी अच्छे हो गए थे। जब ऋषि कपूर कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क में थे, तब रणबीर कपूर बार बार पिता से मिलने जाते थे। बस अब ऋषि कपूर की आखिरी एक ही चाहत थी कि वो रणबीर की शादी देखना चाहते थे, जो कि हो नहीं सका। और ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़कर चले गए।